Hey guys, welcome back to my channel Mom Here to Help and welcome to day 4 of my weight loss journey. Netanya को स्कूल छोड़ने के बाद उसकी बस का टाइम है 8:15. उसके बाद मैं नीचे आती हूँ और अपने आंगन में वॉक करती हूँ. आज मुझे अपने थ्रोट में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी तो मैं एसी भी नहीं ले रही हूँ आज, और मैंने रात को ही अपने लिए अजवाइन का पानी भिगा के रख दिया था, एक चम्मच अजवाइन और एक ग्लास पूरा पानी, और अब मैंने उसको हल्का गुनगुना कर दिया है और अजवाइन का पानी लेने वाली हूँ. सो स्टार्ट करते हैं डे 4 विद अजवाइन का पानी. तो डे 4 है तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ अपना वेट, मैंने कितना वेट लूज किया है और इस जर्नी से मुझे थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ है 3 दिन में या नहीं हुआ है. चलिए दिखाती हूँ. तो चलिए देखते हैं कितना है. 66.50. ये 66.50 कितना था? 67.30 या 10 था. ओ माय गॉड, हेल्दी तरीके से हमने वेट लूज किया है सिर्फ 3 दिन. ऐसे आप 3-4 दिन में अपना वेट मेजर करके देखते हो और आपको थोड़ा सा भी, मतलब कुछ ग्राम्स में भी फर्क लगता है तो आप बहुत मोटिवेट हो जाते हैं. मुझे यहाँ पे 700 ग्राम्स के अराउंड कम हुआ है मेरा वेट सिर्फ 3 दिन में. तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज डे 4 की. इसमें मैं कुछ इंक्रीज करूंगी, कुछ एक्सरसाइजेस कुछ एड अप करूंगी और अपने जो सेटअप्स हैं उसका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा दूंगी. तो बेसिक हम जो कर रहे थे वार्म अप, वही एक्सरसाइजेस करेंगे. 2-2 का सेट करेंगे इस बार हम, और 20-20 टाइम्स. एक हमने फर्स्ट ये वाली कर ली है, अब हम 3 एक्सरसाइजेस ये वाली करेंगे. इसमें भी हम 2-2 के सेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. 1.5 मिनट आपको करनी है स्टैटिक जॉगिंग एक ही जगह पे खड़े होके. ये बेसिकली आपकी बॉडी को हीट अप करने के लिए होती है, यानी कि एक्सरसाइज से पहले आपकी बॉडी को प्रिपेयर करती है. हमने कल 30-30 टाइम्स करा था एक सेट, आज हम 40 का सेट करेंगे. 40 का सेट ये वाली का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसे रिपीट करेंगे 2 बार. ये वाले हम करेंगे 40-40 के 2 सेट. इसको रिपीट करेंगे 2 सेट. अगर आप इसके 40-40 के नहीं कर पाते हो, 40 एक बार में नहीं कर पाते हो, तो आप करोगे 30-30 के 2 सेट और 20 का 1 सेट. तो ये एक्सरसाइज नंबर 3 मैंने डे 4 से स्टार्ट की है. इसमें आपको बस काउ पोज बनाना है, उसके बाद इस तरीके से बेंड होना है, कोबरा पोज में आना है, फिर वापस चाइल्ड पोज, कोबरा पोज, चाइल्ड पोज. तो यही आपको रिपीट करना है. 20-20 के 2 सेट करेंगे हम आज, क्योंकि हमने ये आज ही स्टार्ट की है. तो मैं आपको दिखा देती हूँ साइड से ये कैसे दिखेगा. सामने से मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे करना है. 20-20 के 2 सेट्स करने हैं आपको इनिशियली. ये देखिए साइड से कुछ इस तरीके से. एक एक सेकेंड का पॉज रखना है दोनों पोजिशन में और आपको वापस आ जाना है. इससे आपका फुल बॉडी का वर्कआउट हो रहा है, हिप्स, टमी, थाइस, शोल्डर्स, चेस्ट. अब मैं बता रही हूँ एक एक्सरसाइज आपको, 2 एक्सरसाइजेस एक्चुअली, अगर आपका आर्म फैट ज़्यादा है तो. तो ये देखिए अभी हम इसको बिना किसी वेट के कर रहे हैं, बाद में हम वेट भी यूज़ करेंगे इसको परफॉर्म करने के लिए. इसको भी मैंने 20-20 टाइम्स किया था 2 बार. नेक्स्ट है हमारी ये वाली, ये जॉइंट्स के लिए आपके, अगर आपको स्टिफनेस लग रही है अपने जॉइंट्स में,
ये बैक के फैट के लिए भी होता है, इसको भी हम वेट के साथ करेंगे बाद में। इनिशियली मैं इसको विदाउट वेट कर रही हूँ और मैंने 20-20 के दो सेट्स किए थे इसके भी। सो आधे से एक घंटे बाद मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया है ओट्स ऑमलेट। ओट्स और एग दोनों का यूज़ किया है। ओट्स को मैंने, मेरे पास रोल ओट्स थे इसलिए मैंने इसको भिगा के रख दिया था गर्म पानी में आधे घंटे के लिए, जब मैं एक्सरसाइज करने गई थी उस टाइम पे। और मैंने प्याज टमाटर काट लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, इसको ओट्स के साथ मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसमें एक एग जो है वो डाला है, नमक हल्दी मिर्च और धनिया डाला है थोड़ा सा। बस इसको अच्छे तरीके से फेंट लीजिए और उसके बाद इसके छोटे छोटे से ऑमलेट्स बना लीजिए, या पैनकेक कह सकते हो आप, ओट्स एग पैनकेक्स। तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी थे, फिलिंग भी थे, काफ़ी देर तक मुझे भूख नहीं लगी इसको खा के, मैंने इसको दो खाया था। थोड़ी सी चाय और हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। अब लेती हूँ मैं अपनी ग्रीन टी। ग्रीन टी मैंने बहा ली थी, मैंने थोड़ी धूप भी सेकी, बहुत ठंडा हो रहा था। मैं आपको थोड़ा सा मौसम दिखाती हूँ। यहाँ से मेरे घर से पूरा जो हिमालयन रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियरली विजिबल होती है। आज थोड़ी धुंध थी, कभी और दिखाऊंगी मैं आपको। तो हमारा हो गया है फ्रूट्स टाइम। उसके लिए मैंने लिया था आज एक कीनू और अमरूद। अमरूद मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं डेली ही अमरूद लेती हूँ। 2 बजे मैं करती हूँ लंच और आज मेरा वेट थोड़ा सा कम हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना चावल ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने ली थी चिकन बिरयानी और थोड़ा सा गाजर का सैलेड। 8 बजे मैंने डिनर किया था और दूध स्किप कर दिया था क्योंकि मैंने चिकन खाया था आज। और इसमें मैंने लिया था सूप, वेजिटेबल सूप था, और थोड़े से ना मैंने आटा नूडल्स डाल दिए थे उसका टेस्ट को एनहेंस करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा और टेस्टी बना था। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर जल्दी से शेयर करूँगी। तो मैं मिलती हूँ अब आपसे 2 दिन बाद। इसी वाले रूटीन को आपको फॉलो करना है 2 दिन। तो गाइज़, आई नीड योर मोटिवेशन, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। और मेरी तरह आप भी, अगर आपकी बॉडी भी मेरे जैसी हो गई है और आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो मुझे ज्वाइन करिए। मैं आपको मोटिवेट करूँगी, आप मुझे मोटिवेट कीजिए। प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे 2 दिन बाद। फॉलो कीजिए सेम रूटीन 2 दिन तक।